नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में लगी सबसे बड़ी आग। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास बनी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यानी कि NMNH की 6 मंजिला इमारत में रात करीब 1 बजे आग लग गई, जिसने देखते ही देखते सभी 6 मंजिलों को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया। आग का ऐसा तांडव कि देखकर ही कांप उठता है कलेजा। चारों ओर सिर्फ आग ही आग। हर मंजिल में फैली हैं सिर्फ लपटें। देश की राजधानी दिल्ली में इतनी भयानक आग शायद ही दिखी हो। ये आग लगी दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस के पास बनी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत में। रात करीब 1 बजे सबसे पहले इमारत की छत से लपटें उठना शुरू हुई। 1 बजे लगा, 1 बजे के आसपास ये आग लगी और उसके बाद किसने, आपने फोन किया? कुछ देर में गार्ड की नजर पड़ी तो उसने फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया। शुरुआत में जैसे सिर्फ इमारत की छत पर आग नजर आ रही थी, उसी के मुताबिक करीब 7-8 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग लगी है, आप देख सकते हैं इस वक्त ये काफी बड़ी आग लगी है। ऊपरी मंजिल पर ये जो आग है वो लगी है। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा आग बुझने की जगह और तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका और अब यह आग लगातार फैलती जा रही है। फायर टेंडर की करीब 40 गाड़ियां यहां पर अब तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आग अब लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत में कुल 6 मंजिलें हैं और आग ने सभी मंजिलों को अपनी आगोश में ले लिया। दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन आग काबू में आने की जगह उतनी ही तेजी से भड़कती जा रही थी। 7-8 गाड़ियों से बढ़कर दमकल की गाड़ियों की संख्या 40 से 50 तक पहुंच गई। वक्त करीब 3.5 घंटे बीत गया, लेकिन शोलों की आज मंद पड़ती नहीं दिखी। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बिल्डिंग में आग को लगे 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। फायर टेंडर की गाड़ियां लगातार यहां पहुंच रही हैं, इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुरुआती दौर में ऊपरी मंजिल पर लगी यह आग अब पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर चुकी है। आखिरकार दमकल कर्मियों ने नई रणनीति से काम किया। उन्होंने आग से पूरी तरह घिर चुकी इमारत से आग को फैलने से रोकने की रणनीति बनाई, ताकि आग आसपास की दूसरी इमारतों तक न पहुंचे। तो इसकी छत पर आग लगी हुई थी बिल्डिंग की, जब थोड़ी आग थी और धीरे धीरे देखते देखते आग फैलती चली गई। ये ऐतिहासिक इमारत एक रात में ही जलकर पूरी तरह खाक हो गई, साथ ही खाक हो गए दुर्लभ पशु पक्षियों और खनिजों से जुड़ी जानकारी के अहम दस्तावेज। रजत सिंह, दिल्ली आज तक। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा।